हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जाना था रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में, और प्रोनाउंस हमने खत्म कर लिए, 8 प्रोनाउंस खत्म कर लिए और 2 प्रोनाउंस बाकी है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इन दोनों प्रोनाउंस को जानने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब तक जितने भी हमने प्रोनाउंस पढ़े, एडजेक्टिव्स पढ़े, उन सब पे 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं, और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। करेक्ट, टेल वेदर प्रोनाउंस, सॉरी, टेल विच प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स, कौन सा प्रोनाउन और एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इन फॉलोइंग सेंटेंसेज में आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउंस है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वाले सेंटेंस में, फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखो क्या कोई प्रोनाउन आपको नजर आ रहा है। तो हाँ, ये पहला प्रोनाउन नजर आ रहा है, दिस। दिस क्या एक प्रोनाउन है? तो हाँ, प्रोनाउन है। दिस के बगल में कोई नाउन है? हम लोग इतना जानते हैं कि किसी भी प्रोनाउन के जस्ट बगल में अगर कोई भी नाउन डाल दिया जाए तो वो नाउन फिर प्रोनाउन, सॉरी, वो फिर प्रोनाउन प्रोनाउन नहीं रहता, वो एडजेक्टिव बन जाता उसी कैटेगरी का। तो इसके बगल में क्या कोई नाउन है? जस्ट बगल में नहीं है, नाउन नहीं है, तो ये कैसा है? ये प्रोनाउन ही है। तो ये प्रोनाउन है। दिस कैसा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर दिस लिखेंगे और लिख देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और सारे प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जितना ऑप्शन में पूछ रहा है, जितना हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं सब में से तो बताएंगे, एक्स्ट्रा अपने दिमाग से कुछ नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे फिर एक और देखेंगे, योर भी एक प्रोनाउन है कि नहीं है? योर भी एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? तो सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन के लिए, पर्सनल प्रोनाउन नहीं, सॉरी, पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन के बगल में एक नाउन है, तो ये प्रोनाउन कैसा हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मगर क्या यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव पूछ रहा है? यहाँ इस क्वेश्चन, इस ऑप्शंस में हमारे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो योर को हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दिस एक और है। तो दिस जब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, तो यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ दिस के बगल में कोई नाउन नहीं है, मगर इस दिस के बगल में एक नाउन है। वो नाउन क्या है? बुक। तो यहाँ दिस के बगल में एक बुक नाउन आ गया, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। ये दिस क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो कैसा एडजेक्टिव बन जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे ऑप्शन में है? तो हाँ, देखिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे पास ऑप्शन में है। तो दिस को भी लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिख दिया हमने। फिर और देखते हैं क्या कोई और प्रोनाउन इसमें है। योर्स एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। मगर पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे पास ऑप्शन में है, देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउंस हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसको भी छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं सम आर बोर्न ग्रेट। सम जो है एक प्रोनाउन है कि नहीं है? कैसा प्रोनाउन है? इनडिफिनिट प्रोनाउन है। तो इसके बगल में कोई नाउन है? इसके बगल में कोई नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन होगा। कैसा प्रोनाउन होगा? इनडिफिनिट। इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या ऑप्शन में पूछ रहा है? देखते हैं। देखिए इनडिफिनिट प्रोनाउन ऑप्शन में पूछ रहा है, तो इनडिफिनिट प्रोनाउन से यहां पे हम लोग लिख देंगे इनडिफिनिट प्रोनाउंस, इनडिफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में सम पर्सन्स आर बॉर्न ग्रेट। यहाँ पे भी सम है कि नहीं? तो ये भी कोई प्रोनाउन होगा कि नहीं? सॉरी, यहाँ प्रोनाउंस नहीं होगा, प्रोनाउन होगा। तो अब देखते हैं सम पर्सन्स। तो सम जब पिछले वाले में एक प्रोनाउन हुआ, तो इसमें भी प्रोनाउन होगा ना? तो हाँ, बेशक होगा। मगर यहाँ पे एक चीज ध्यान देते हैं, इसके बगल में एक क्या हो गया? नाउन आ गया। पर्सन्स क्या है? नाउन आ गया। तो अब यहाँ पे सम जो है कोई प्रोनाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा एडजेक्टिव होगा? इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन में हमारे पास इंडिफिनिट एडजेक्टिव पूछ रहा है? देखते हैं। इंडिफिनिट एडजेक्टिव, इंडिफिनिट एडजेक्टिव नहीं पूछ रहा है, तो इसको रहने देंगे। इसमें लिख देंगे नो, नॉट एनी प्रोनाउन, नॉट एनी प्रोनाउन। एडजेक्टिव तो है, मगर जो ऑप्शन में पूछा जा रहा है उनमें से कोई एडजेक्टिव नहीं है।
मगर प्रोनाउन भी नहीं है इसमें, तो नॉट एनी प्रोनाउन लिख देंगे। ईच ऑफ द बॉयज कैन डू दिस, तो ईच यहाँ पे ईच देखो ईच आया है जैसे वर्ड, तो ईच एक वर्ड आया, तो ईच कैसा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो अब यहाँ पे ईच जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो बगल में कोई नाउन है, नहीं है, तो बगल में जब कोई नाउन नहीं है तो ईच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ही रहेगा, तो ईच को लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच को लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब देखते हैं ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है, तो इसी में क्या कोई और प्रोनाउन भी है, तो देखते हैं ऑफ द बॉयज ये सब प्रोनाउन नहीं है, ये भी प्रोनाउन नहीं है, ये भी प्रोनाउन, ये एक प्रोनाउन आ गया हमारे पास, दिस, दिस भी तो एक प्रोनाउन है, कैसा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो दिस को भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और लिख देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया हमारे पास यहाँ। अब फिर से उसी तरह से इसमें देखते हैं, ईच बॉय कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पे ईच इस सेंटेंस में भी है, तो जब पिछले सेंटेंस में ईच एक प्रोनाउन बना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बना, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ईच के बगल में एक जस्ट बगल में एक नाउन आ गया, तो अब ये एडजेक्टिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, तो ईच क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, लिख देंगे ईच है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ईच हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखते हैं इसमें क्या कोई और प्रोनाउन है, तो हाँ दिस एक प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पिछले वाले में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इसमें भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मगर इसके बगल में भी एक क्या है, नाउन है, वर्क एक नाउन है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा, तो दिस को भी लिखेंगे हम लोग फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा ये दिस। तो आई होप कि आपको ये थॉट्स, ये प्रोसेस, सॉरी, ये बनाने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनाना है, चूज करना है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं सिर्फ उसी में से चूज करना है, उसी में से बताना है, और अलग का कुछ होगा तो उसको नहीं बताना है। और आपके लिए यहाँ पे 20 और क्वेश्चंस दिए जाते हैं रिवीजन के लिए, और आप लोग उसको खुद से बनाते हो, ठीक है, बना के देखो। अब यहाँ पे हमारे पास 20 क्वेश्चंस आ गए हैं अब तक हमने जितने प्रोनाउंस पढ़े हैं उसके बारे में, और हेडिंग में आपको ये बता दिया गया है लिख के कि किस प्रोनाउन को या फिर किस एडजेक्टिव को इस इन सब सारे सेंटेंसेस में से चूज़ करना है, तो आप उन्हीं प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स को चूज़ करेंगे इन सारे के सारे सेंटेंसेस में से। तो आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया हो, जो मैंने 6 एग्जांपल्स बताए अभी अभी, उस प्रोसेस के जरिए ही आपको चूज़ करने हैं कि किस सेंटेंस में कितने प्रोनाउंस और कितने एडजेक्टिव्स हैं, और जो हेडिंग में दिया हुआ है सिर्फ ऑप्शन में उन्हीं सब में से और कोई एक्स्ट्रा नहीं। तो अब आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस को उतार लो और बना लो और प्रैक्टिस करो।